नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर पौधों के साथ। लेकिन दोस्तों, जो आज का पौधा है वो सबके लिए बड़ा कॉमन है और जितना हम इसे आम समझ के छोड़ देते हैं दोस्तों, उतना ही ये गुणों से भरा हुआ है। तो बिल्कुल कल हमारे यहाँ थोड़ी सी बरसात हुई और बाहर ना मेरे काफ़ी सारे सदाबहार के प्लांट लगे हुए हैं, तो वहाँ जब ज़्यादा उग जाते हैं फिर मैं निकाल निकाल के अपने अंदर ये साइड वाले एरिया में खाली डब्बों में लगा लेती हूँ ताकि एक गार्डन बहुत खूबसूरत सा लगे। लेकिन दोस्तों, खूबसूरती के साथ साथ इस पौधे में इतने गुण हैं कि कई बार ना हम बड़ा इसको आम सा समझ के लगाते भी नहीं हैं, सोचते हैं इतना कॉमन सा प्लांट है, सभी जगह तो उगा उगता है। लेकिन इसकी दोस्तों आम होने की वजह से ये समझ लो ये सभी के लिए अवेलेबल है, चाहे किसी ने इसको घर पे लगाया हो और नहीं लगाया हो, आसपास आपको ये बाहर भी दिख जाएंगे, कहीं भी दिख जाएंगे। और इसके दोस्तों चाहे ये गुलाबी फूलों वाला पौधा हो या वाइट वाले फूलों वाला पौधा हो, दोनों ही औषधीय गुणों से भरपूर है। तो बिल्कुल ये ना समझे इसको आम, और इसको अपने घर में गार्डन में जरूर जगह दे। और बिल्कुल दोस्तों, इसके मैं इतने सारे आपको औषधीय गुण बताऊंगी जिससे कि आप इसको लगाने के लिए तो मजबूर हो ही जाएंगे, आप इसका सेवन करना भी शुरू कर देंगे। वो क्यों करेंगे कि जरूरी नहीं है कि कोई बीमार हो तभी किसी चीज़ का आप सेवन करें, अपनी बॉडी को पहले से ही इतना स्ट्रॉन्ग या अच्छा बना लो ताकि वैसे किसी एलोपैथी की दवाई की जरूरत ना पड़े। तो बिल्कुल दोस्तों, बड़ा आयुर्वेदिक और औषधीय गुणों से भरा हुआ पौधा है ये। तो मैं भी कुछ प्लांट निकाल के लाई थी, तो अभी तो कुछ खाली था नहीं, तो जिसमें मैंने ये पोर्चुल्का की कटिंग लगा रखी है इसमें ही मैं लगा लेती हूँ ताकि है ना ये डब्बे भी अच्छे लगें। वो तो आप खैर देखते ही जाओगे, लेकिन आप अब इसको लगाते हुए देख ही रहे हो मुझे, इस मेरी बातों पर जरा ध्यान देना। तो जिसको ये प्रॉब्लम है वो तो लेना शुरू कर दो, जिसको नहीं है वो भी लेना शुरू कर दो। और बिल्कुल दोस्तों, बड़ा आम सा पौधा सब जगह मिल जाएगा। और बिल्कुल मेरा मन करता है जितने भी लोग मेरे वाला चैनल देखें कम से कम वो शारीरिक रूप से तो बिल्कुल स्वस्थ हों, उनके शौक इतने सुंदर हों, उनका काम इतना सुंदर हो, उनका लाइफस्टाइल इतना सुंदर हो। और ये दोस्तों तभी हो सकता है जब आप खुद स्वस्थ हो। अगर एक आप बीमार शरीर के साथ कुछ भी करेंगे तो देखो मजा नहीं आएगा करने में, है ना। सबसे पहले हमारी जो सबसे पहले ड्यूटी है ना, खुद को ही स्वस्थ रखने की है। और इसके लिए जरूरी नहीं कि अब बीमार हो जाओ, पहले से हम ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें अपने गार्डन में लगाएं, है ना, जिससे कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और है ना, और सारे कामों में हमें करने में मजा आए, तभी तो गार्डनिंग करेंगे हम, या और भी कोई जो हमारे शौक है तभी तो पूरे करेंगे। तो आते हैं अब इसकी अच्छी अच्छी बातों के ऊपर। तो दोस्तों, कहा जाता है कि डायबिटीज में, जिसको कि हिंदी भाषा में मधुमेह बोलते हैं, उसके लिए रामबाण है। तो बिल्कुल जिसको है वो भी लेना शुरू कर दो, जिसको नहीं है वो भी लेना शुरू कर दो, क्योंकि दोस्तों इसके मधुमेह के अलावा इतने सारे गुण हैं, ये आपकी स्किन डिजीजेस को, आपकी ग्लोइंग स्किन को, और जो दोस्तों टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं उनको दूर करने में, और मधुमेह के कारण या वैसे भी किडनी में जो प्रॉब्लम हो जाती है उसको भी दूर करने में ये बहुत कारगर है। और कई लोग तो जैसे जो शुगर के मरीज हैं वो तो जैसे जूस बनाते हैं ना सुबह सुबह करेले का, खीरे वीरे का, उसमें ही इसकी पत्ती डाल लेते हैं, या नहीं डालते हैं तो डाल लिया करो। और नहीं तो भाई जूस वूस नहीं बनाते आप, आपको डायबिटीज भी नहीं है, आपने ऐसे ही इसका प्रयोग करना है तो ऐसे इसकी 4-5 पत्ती खा लिया करो आप, ऐसे हाथ से मसल मुसल के ऐसे सट, और जिसको ज्यादा ही कड़वी लगे वो सटक जाया करो, पर भाई इसको ले लिया करो किसी तरीके से, तो बहुत अच्छी है ये, मोटापे में भी सहायक है। और सबसे बड़ी बात है ना, ये ब्लड को प्योरीफाई करता है। अब देखो, ब्लड प्योरीफिकेशन तो सबके लिए जरूरी है, चाहे कोई बीमारी नहीं है, है ना, कितने सारे टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं हमारे शरीर में, है ना, हमें खुद भी नहीं पता होता, अंदर जमा होते रहते हैं, तो उनको निकालने में, यूरिन की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको दूर करने में। और जैसे दोस्तों, कई बार हम गार्डन में काम कर रहे होते हैं, कोई चीज हमें काट जाती है, है ना, तो तब भी आप क्या करा करोगे, इसकी पत्ती तोड़ के ना इसका रस्सा निकाल के उस पर लगा लिया करो, तो भी तुरंत ठीक हो जाएगा। तो भाई इतना अच्छा पौधा है और मुझे तो बहुत प्यारा लगता है ये। मैंने तो देखो छोटे छोटे डब्बों में भी लगा रखे हैं, खूब सारे गमलों में भी, और मुझे तो इसकी सुंदरता इतनी अच्छी लगती है, ऐसे मतलब फूलों से भर जाता है बिल्कुल ये। और फूलों के बीच बीच में, प्लांट्स के बीच बीच में मैं इसको लगा के रखती हूँ, तो बिल्कुल गार्डन बहुत सुंदर लगता है।
तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मेरे लिए भी कोई भी कॉमन प्लांट नहीं है, चाहे हाइब्रिड है, ये भी देखो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन दोस्तों जो आपके काम आएगा ना वो देसी वाली वैरायटी आएगी जो कि वाइट और पर्पल फूलों वाली है, तो बिल्कुल इसको लगाओ, बिल्कुल नहीं छोड़ना आपने, चाहे कुछ है नहीं है, इसकी 4-5 पत्ती बिना इच्छा किए खा जाया करो, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, अंदर से सारा इम्यूनिटी इतनी स्ट्रोंग हो जाए और बिल्कुल सब कुछ अंदर से क्लीन हो जाए। अगर हमारे शरीर में टॉक्सिन्स ही नहीं रहेंगे, है ना, और ये समझ लो हमारा ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा, तो मोस्टली बहुत सारी बीमारियां वैसे ही दूर हो जाती हैं, और यूरिन के जरिए वो सारा कुछ निकल जाता है। और मधुमेह के लिए मैं बता ही रही हूँ, भाई डायबिटीज़ की समस्या भारत में इतनी ज़्यादा है, तो उन लोगों को तो भाई ज़रूर लेना चाहिए, जिसको पता है तो वो मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ मैम हमें पता है, और जिसको नहीं पता था, जिसके लिए अच्छी बात है, वो भी प्लीज़ बताना, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ मैंने कोई अच्छी चीज़ बताई है। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि मैं पौधों के बारे में ही बताऊँ, इसलिए मैंने इस चैनल का नाम गुडली में रखा था, कि जो भी मुझे अच्छी बातें पता हैं या इधर उधर से पता लगती हैं, ऐसी तो नहीं हूँ मैं बिल्कुल ही इतनी ज्ञानी हूँ कि सारी चीज़ों का मुझे ही पता है, लेकिन हाँ जहाँ से भी जो भी अच्छी बात मुझे पता लगती है ना, मैं ज़रूर चाहती हूँ कि जो भी चैनल देखते हैं लोग उनको ज़रूर पता लगे और वो उसको यूज़ करना शुरू करें। तो बिल्कुल आपको ये ज़रूर लगाना चाहिए, और इस वक्त तो दोस्तों आपको ये बाहर इतने सारे दिख जाएंगे, और लगाने का तरीका मैंने इतनी बार बता रखा है इसको, और अब भी आपको बताई दिया, मैंने तो खैर मैं बताई रही हूँ बाहर से उखाड़ उखाड़ के लाई थी, तो मैं भी इन डब्बों में लगा दूंगी ताकि और ज़्यादा फूलों की वैरायटी लगे गार्डन में। तो सारे पौधे वैसे ठीक ठाक चल रहे हैं, उम्मीद आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, और आप मेरी बात पे ज़रूर गौर करना। तो बिल्कुल चाहे घर में बच्चे भी हैं उनको भी देना शुरू कर दो, अच्छा है वैसे भी ये, है ना, घर में रह रहे के लॉकडाउन में वैसे ही हम, तो हम ये भी नहीं चाहते कि घर में टॉक्सिन्स वगैरह इकट्ठे हो, अभी तो देखो बाहर जा नहीं सकते हैं ना, वैसे तो हम एक्सरसाइज करते ही थे, सुबह सुबह मैं भी सैर पे जाती थी, और मैं तो क्या करती थी, मैं रियली बता रही हूँ आपको, बाहर जो क्यारी में लगे हुए हैं ना ऐसे ही 5 पत्ते इसके तोड़ के कभी भाई इसके ले लेती थी मैं, कभी कड़ी पत्ते के, मैं रियली बताऊँ आपको, कड़ी पत्ता भी बहुत अच्छा है, वो भी आपके गार्डन में होना चाहिए, मतलब मैं कुछ ना कुछ मुँह में ना रख के चली जाती थी, और धीरे धीरे चबा के देखो जब मैं चलती हूँ मेरे शरीर में भी पूरी डाइजेशन के साथ वो चीज़ है ना इन्वॉल्व हो रही है। और दूसरा अपना एक सुबह सुबह ये भी हो गया कि हमने एक शुरुआत अच्छी चीज़ से की है ना, हमारी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे। तो दोस्तों चीज़ एक अच्छे कारण से ही नहीं होती, साइकोलॉजिकली भी अगर आपको ये लगे कि हाँ मैंने अच्छी चीज़ ली है तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे आप मेरी वीडियो देखोगे ना ये वाली, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ हमें ये चीज़ लेनी चाहिए, एक आपका माइंड प्रिपेयर हो गया इस चीज़ को लेने के लिए, तो और फिर अच्छी तो है ही है वैसे भी, है ना। और बहुत सारे लोग कहते हैं मैम अपनी अंगूर की बेल पे अंगूर दिखाओ, तो भी ये देखो छुपे छुपे से लगे हुए हैं, मुझे भी नहीं पता अभी तो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, और ये ब्लैक वाले हैं और अभी धीरे धीरे ब्लैक हो जाएंगे, तो कई जगह बने हुए हैं इसके गुच्छे से, देखो और भी दिखाती हूँ आपको, ये देखो ठीक है। तो देखो गमले में ही लगा हुआ है, कोई मैंने ऐसे कुछ नहीं लगा रखा, ना मैंने इसको कोई ऐसी खाद वाद अलग से दी है। तो भाई बातें अपने टॉपिक पे, और बस ये प्लांट आप जरूर लगाना, और ये बाल्टी में जो मैंने पीछे लगाए थे देखो सारे कितने अच्छे चल गए हैं ना, सारी बाल्टी भर गई ना अपनी, जो हमने बेबी सनरोज की कटिंग लगाई थी और एस्पेरेगस वगैरह की, सब अच्छे से चल रही है, देखो पूरी बकेट हमारी फिल हो गई है। तो भाई बहुत सुंदर प्लांट है, इसे लगाओ भी और इसका सेवन करो, कहीं भी दिखता है ना आपको, सुबह सैर भी कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो आसपास भी लगा हुआ, 5 पत्ती मुंह में डाल लिया करो, चाहे अच्छी लगे ना लगे, या अपना पानी से सटक लिया करो ये क्रश करके हाथ पे। और देखो आज ये दोनों फूल भी खिल गए, कल खिले नहीं थे ना ये, कली कली थी, ये देखो ये भी खिल गया आज, है ना अच्छे लग रहे हैं ना। चिड़िया बहुत खिलती है, ऐसे लटक जाती है इन फूलों में बिल्कुल ही। तो बस दोस्तों आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।